इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों #VSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरएसएस को भारतीय संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देगा इंडिया, राहुल गांधी की स्पीच का वीडियो हो रहा है जमकर के वायरल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी गुट इंडिया आरएसएस को भारतीय संस्थानों पर कब्जा नहीं करने देगा और लोकतंत्र की हत्या को भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मुझे लगता है कि हम लोग लड़ाई जीतेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत में 2 से 3 व्यवसायिक घरानों का ही एकाधिकार है हर क्षेत्र में और पिछले 9 सालों के अंदर 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग गरीबी में चले गए हैं और लगातार कुछ चुनिंदा उद्योगपति दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं लेकिन देश की जनता गरीब होती जा रही है। ये यहाँ पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं भाजपा और आरएसएस पर। आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर लिखिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राज्यसभा से भी पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बन जाएगा कानून लेकिन लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में यहाँ पर बीते दिन भर यहाँ पर बहस के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के पक्ष में सदन में मौजूद 215 सांसदों ने वोट दिया, इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है राज्यसभा के अंदर। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, संसद के विशेष सत्र के 4th दिन राज्यसभा में बिल पास होने के बाद अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी मिलते ही विधेयक कानून बन जाएगा। और वहीं इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी ये कानून फिलहाल के लिए यहां पर अभी लागू नहीं हो पाएगा। मोटे तौर पर देखें तो इस कानून को लागू होने में अभी कई साल लग सकते हैं, ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, पीएम मोदी को लेकर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कर दिए हैं कई बड़े खुलासे, कहा सावधान रहना चुनाव आने से पहले मोदी कोई ना कोई खुराफात करेंगे। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे सीकर, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के नुह में हुआ दंगा सरकारी और प्रायोजित था, केंद्र सरकार इसे अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती थी लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो दंगे नहीं फैले, ये बहुत खतरनाक निर्दयी और दुष्ट लोग हैं। ये यहां पर कहना है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी को हटाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे पैरों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है लेकिन मैं फिर भी इनको हटाने के लिए जगह जगह पर जाऊंगा, प्रचार करूंगा, कुछ भी करूंगा। इनको हटाना सभी लोगों का कर्तव्य है, यदि यह सरकार नहीं बदली तो इस देश में खेती, फौजी और जो भी अच्छा है वह सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, ये सब कुछ बेच डालेंगे। ये यहाँ पर बड़ा बयान आया है सामने निकल के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से। क्या आप लोग सत्यपाल मलिक की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय भी बताइएगा दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, संसद का विशेष सत्र समय से पहले हुआ खत्म, दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए हैं।
बताते चले खबर आप लोगों को, संसद का विशेष सत्र समय से पहले ही खत्म कर दिया गया है। संसद के दोनों ही सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसे अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ था, जिसके बाद गुरुवार को यह विशेष सत्र खत्म हो गया है और ये सत्र शुक्रवार यानी कि आज खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। आप लोगों को बताते चलें, महिला आरक्षण बिल का सभी पार्टियों ने खुल करके राज्यसभा के अंदर समर्थन किया है, जिसके बाद ये बिल राज्यसभा से भी पूर्ण बहुमत के साथ में पास हो गया है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन बना है और वहीं अब तीसरे मोर्चे की चर्चा भी तेज हो गई है। केसीआर की अगुवाई में बन सकता है तीसरा मोर्चा। इंडिया गठबंधन में न्योता ना मिलने पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने दिए हैं बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, विपक्षी एकजुट होकर के इंडिया नामक गठबंधन बना चुके हैं, लेकिन इस गठबंधन में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मुझे आमंत्रित नहीं किए जाने की कोई भी परवाह नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र की कई पार्टियां भी इस गठबंधन की सदस्य नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आगे बढ़ने और तीसरा मोर्चा बनाने और इसमें कई दलों को शामिल करने के लिए कहा है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर सीधा निशाना, कहा किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और उनके दोस्त कमा रहे हैं हजारों करोड़ों, असली मुद्दों से भटकाने की हो रही है साजिश। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची। यहां पर उन्होंने भिलाई के जयंती स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि जनता सरकार से सवाल ना कर सके। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज बेरोजगारी, अच्छी सड़कों और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की बातें नहीं हो रही हैं, इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है ताकि आप सवाल नहीं उठा सकें कि दिल्ली में G20 का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, 20,000 करोड़ रुपए की नई संसद का निर्माण किया गया, इसमें रुपए खर्च किया गया, अभी भी वे खराब सड़कों, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। किसान कमर तोड़ मेहनत करके मात्र 27 रुपए प्रतिदिन कमा पा रहा है, जबकि उनके कारोबारी दोस्त एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए अब जनता को असली मुद्दों पर यहां पर वोट करना चाहिए और इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आपने आखिर किया क्या है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी रैली के दौरान जबरदस्त तरीके से भड़की हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।